खबर मध्य प्रदेश के कटनी से आ रही है, जहां जल जीवन मिशन के तहत ठेकेदारी कर रहे महाराष्ट्र के एक ठेकेदार की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया और साथ ही बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल पैसों के लेन देन को लेकर दो ठेकेदारों के बीच विवाद हुआ था, जिसके चलते ठेकेदार को कार में बिठाकर उसकी गर्दन पर चाकुओं से वार किया गया। शव को उबरा के जंगलों में 3 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया गया। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एनकेजे थाना अंतर्गत बालाघाट जिले के वारासिवनी के निवासी और वर्तमान में महाराष्ट्र के 40 गांव जिले के निवासी शिवरतन ठाकरे, जिनकी उम्र लगभग 37 वर्ष है, उनके हत्या के संबंध में खुलासा करने हेतु हमने आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। मैं बताना चाहूँगा कि दिनांक 16/8/24 को एनकेजे थाना में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट मृतक के भतीजे मुकेश ठाकरे के द्वारा दर्ज किया गया था और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के उपरांत थी इसमें मेरे द्वारा हमारे माइक 2 संतोष डेहरिया, माइक 3 ख्याति मिश्रा और थाना प्रभारी एनकेजे नीरज दुबे के द्वारा इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इसमें टीम गठित करके अलग अलग स्तरों पे हमने इसकी जांच विवेचना और कुल मिलाकर के जो गुमशुदा व्यक्ति है उसके मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया। मामला बेहद गंभीर था क्योंकि यह व्यक्ति बाहर का रहने वाला था और कटनी में आकर के ये गुमशुदा हो गया था, तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। जाँच के दौरान हमारी टीम ने सबसे पहले तो गुमशुदा व्यक्ति के मोमेंटम का, उसके मूवमेंट का जो है, उसके आने जाने के रास्ते का, उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी की और इस क्रम में हमने करीब करीब 50 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज कैमरे खंगाले और साथ ही गुमशुदा का जो भतीजा है मुकेश ठाकरे, जिन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करी थी, उन्होंने यह बताया कि इसके जो चाचा हैं वो पूर्व में इनके साथ काम करने वाले किशन तिवारी और उसके चचेरे भाई विवेक उर्फ राज तिवारी के साथ कार में बैठ करके गए हैं और उनको ऐसा अंदेशा था कि इन दोनों लड़कों ने ही गुमशुदा व्यक्ति के साथ कोई अहित अथवा ऐसी कोई गलत घटना न कर दी हो।